बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। डियर स्टूडेंट, वी आर हेयर इन बीएस सीरीज। आज हम रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रेसर एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर पे बात करते हैं। स्टूडेंट, ट्रेसर पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ। मेरे पास छोटी सी टर्म है जिसको हम कहते हैं रेडियो आइसोटॉप। रेडियो आइसोटॉप क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे आइसोटॉप जो अनस्टेबल हों और रेडिएशन एमिट करें उनको रेडियो आइसोटॉप या रेडियो न्यूक्लियाइड कहते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट विच आर अनस्टेबल एंड एमिट रेडिएशन आर पार्टिकल आर कॉल्ड रेडियो आइसोटॉप आर रेडियो न्यूक्लियाइड। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, वी हैव हाइड्रोजन। हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप होता है प्रोटियम, एक आइसोटॉप होता है ड्यूट्रियम, एक आइसोटॉप होता है ट्रिटियम। हाइड्रोजन का जो ट्रिटियम आइसोटॉप है वो क्या है? वो रेडियो एक्टिव है। ये अनस्टेबल है, ये रेडिएशन एमिट करता है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को नॉर्मली हम सिंबल के ऊपर स्टार हम लगाते हैं जिसका मतलब होता है हाई एनर्जी अनस्टेबल। इसी तरह हमारे पास कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है या अनस्टेबल होता है, ये पार्टिकल या रेडिएशन एमिट कर सकता है। स्टूडेंट, एक और छोटी सी टर्म है जिसको हम आइसोटॉपिक लेबलिंग कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय आइसोटॉपिक लेबलिंग? आइसोटॉपिक लेबलिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट? याद रखना, जब किसी कंपाउंड में स्टेबल आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट को रिप्लेस किया जाए बाय रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, इस फिनोमेना को आइसोटॉपिक लेबलिंग कहते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज स्टूडेंट, मेरे पास एक कंपाउंड है जिंक हाइड्रोजन फास्फेट। मेरे पास कंपाउंड है जिंक हाइड्रोजन फास्फेट। जिंक हाइड्रोजन फास्फेट मेरे पास कंपाउंड है जिंक हाइड्रोजन फास्फेट। ये स्टूडेंट, लेट्स सपोज मेरे पास कंपाउंड है, इसमें मैं इस फास्फोरस को, जो स्टेबल फास्फोरस है, इसको हटा के इसकी जगह रेडियो एक्टिव फास्फोरस लगा दूं, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? आइसोटॉपिक लेबलिंग कहेंगे। आइसोटॉपिक लेबलिंग का मतलब है कि व्हेन ए स्टेबल आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय रेडियो आइसोटॉप, द फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोटॉपिक लेबलिंग। फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोटॉपिक लेबलिंग कहते हैं। कंस्ट्रूड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर है, मेरे पास फिर वाटर है H2O, मेरे पास फिर वाटर है H2O और मेरे पास फिर वाटर है H2O। अब स्टूडेंट, यहां पे मैंने चार वाटर लिखे हैं, इन चार वाटर में क्या फर्क है स्टूडेंट? मेरे पास जो पहला वाटर है, जो पहला वाटर है, ये ऑर्डिनरी वाटर है जिसमें हाइड्रोजन भी स्टेबल है और ऑक्सीजन भी स्टेबल है। ये नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। जबकि स्टूडेंट मेरे पास जो केस बी है, केस बी के अंदर या दूसरे वाटर के अंदर ऑक्सीजन तो स्टेबल है लेकिन इसका जो हाइड्रोजन है वो रेडियो एक्टिव है, वो ट्रिटियम है, वो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। यानी हमने क्या कर लिया, इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन एंड दिस इज कॉल्ड आइसोटॉपिक लेबलिंग। अब यहां पर देखें स्टूडेंट क्या हुआ, मेरे पास वाटर है, यहां पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन वही स्टेबल रहा, ऑक्सीजन ऑफ द नॉर्मल वाटर को मैंने रिप्लेस कर दिया विद ऑक्सीजन 18 जो कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है। यानी मैंने वाटर को यहां पे भी क्या कर दिया, आइसोटॉपिक लेबलिंग कर दी वाटर की। सुनो, इस केस में क्या हुआ, इस केस में मैंने वाटर के स्टेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ट्रिटियम के साथ, और वाटर के स्टेबल ऑक्सीजन को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ऑक्सीजन 18 के साथ, यानी रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन के साथ। इस केस में मैंने हाइड्रोजन भी रेडियो एक्टिव लगा दिया, ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव लगा दिया, यानी मैंने क्या कर दी, वाटर की
आइसोटॉपिक लेवलिंग कर दी, वाटर की आइसोटॉपिक लेवलिंग कर दी। स्टूडेंट ये दो बेसिक टर्म पढ़ने के बाद बात करता हूं कि ट्रेसर क्या होते हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्रेसर स्टूडेंट? ऐसी टेक्निक जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यूज किया जाए फॉर द एनालिसिस, ऐसी टेक्निक को ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। कि टेक्निक इन विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, या सिंपली टेक्निक इन विच रेडियो आइसोटॉप आर यूज्ड फॉर एनालिसिस, सच टेक्निक इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। एंड आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स विच आर यूज्ड इन द एनालिसिस आर कॉल्ड ट्रेसर, उनको हम ट्रेसर कहते हैं। यानी ट्रेसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही सिंपल बात है, ट्रेसर वो रेडियो आइसोटॉप होता है जिसको एनालिसिस में यूज करते हैं। वो रेडियो आइसोटॉप जिसको एनालिसिस में यूज करें उसको स्टूडेंट ट्रेसर कहते हैं, और इस टेक्निक को ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। स्टूडेंट ट्रेसर आर यूज इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ट्रेसर बहुत ही थोड़ी मकदार में यूज करते हैं। ट्रेसर आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मेथड है इसके, कि ट्रेसर की बहुत थोड़ी मकदार आप यूज करके भी एग्जैक्ट रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं। ट्रेसर आर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्रेसर प्रोवाइड डिटेल डेटा फॉर एनालिसिस। बहुत थोड़ी मकदार में ट्रेसर यूज करके आप किसी कंपाउंड को, किसी मिक्सचर को, किसी सैंपल को कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं। उस सैंपल का कंप्लीट डेटा आपको ये बहुत थोड़ा ट्रेसर प्रोवाइड करेगा, बट साइड इफेक्ट ऑफ दीज ट्रेसर आर नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल अमाउंट यूज इन द एनालिसिस प्रोसेस में इन ट्रेसर की बहुत ही थोड़ी मकदार यूज होती है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। स्टूडेंट याद रखना, ट्रेसर टेक्निक को सबसे पहले 1943 में डेवलप किया था, साइंटिस्ट का नाम है जी डी अवेसे 1943 में ट्रेसर टेक्निक को पहली मर्तबा जी डी अवेसे ने क्या किया था, डेवलप किया था, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस मैग्निफिसेंट वर्क। अब स्टूडेंट याद रखना, जब आप क्या करते हैं किसी कंपाउंड में एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं बाय रेडियो आइसोटॉप, देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। बहुत ज्यादा चेंज नहीं आती। जब किसी कंपाउंड में आप किसी स्टेबल आइसोटॉप को रेडियो आइसोटॉप के साथ रिप्लेस करते हैं तो स्टूडेंट याद रखना उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज ही नहीं आती, क्योंकि जो रेडियो आइसोटॉप होता है, जो स्टेबल आइसोटॉप होता है, उनके इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही माइन्यूट सी चेंज हो सकती है, यानी कोई ड्रास्टिक, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होती। स्टूडेंट हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं, कंसिडर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट 59 एंड कोबाल्ट 60। अब स्टूडेंट कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव होता है, अब कोबाल्ट 59 का जो कॉम्प्लेक्स होगा, कोबाल्ट 60 जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट उसका जो कॉम्प्लेक्स होगा, देयर इज नो मच डिफरेंस इन देयर नेचर एंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग। इनकी नेचर और टाइप ऑफ बॉन्डिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बॉन्ड लेंथ आर आल्सो ऑफ द सेम टाइप, बॉन्ड लेंथ आर आल्सो सेम होगी। क्यों सेम होगी? चूंकि कोबाल्ट 59 जोन सा है, कोबाल्ट 60 जोन सा है, दोनों के साइज में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। चूंकि बहुत ही थोड़ा सा फर्क क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक न्यूट्रॉन का फर्क है, एक न्यूट्रॉन से साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। अब स्टूडेंट जो रेडियो आइसोटॉप है
वो रेडिएशन एमिट करेगा, रेडियो आइसोटॉप एमिट रेडिएशन विच आर क्वाइट डिटेक्टेबल। हमारे पास जो रेडियो आइसोटॉप से कॉम्प्लेक्स बनेगा वो रेडिएशन एमिट करेगा, उन रेडिएशन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं और उस रेडिएशन की इंटेंसिटी और रेडिएशन की एनर्जी को यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हो। द ओनली डिफरेंस इन द कंपाउंड ऑफ स्टेबल एंड रेडियो आइसोटॉप इज ए स्लाइट चेंज इन मैस, थोड़ा सा चेंज में मैस होगी क्योंकि एक न्यूट्रॉन का क्या होता है, फर्क होता है। ये चेंज जब हम मास स्पेक्ट्रम लेते हैं तो मास स्पेक्ट्रम में ये चेंज ऑब्जर्वेबल होती है, अदरवाइज आम ऑर्डिनरी उसमें ऑर्डिनरी प्रोसेस के अंदर इनमें कोई फर्क नहीं होता। स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास जो स्टेबल और जो अनस्टेबल आइसोटॉप होता है वो एक दूसरे से हर एस्पेक्ट में अदरवाइज सेम होते हैं, सिर्फ जब हम इनका मास स्पेक्ट्रम करते हैं तो वहां पे मैस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। याद रखना स्टूडेंट, देर आर रेडियो आइसोटॉप विच आर यूज्ड नियरली इन ऑल द फील्ड ऑफ साइंस स्पेशली इन केमिस्ट्री। हमारे पास रेडियो आइसोटॉप होते हैं जो साइंस के तमाम फील्ड के अंदर यूज होते हैं, खास तौर पे केमिस्ट्री में यूज होते हैं। द रिजल्ट आर मच बेटर एंड एक्यूरेट एज कंपेयर्ड विद अदर मेथड। ट्रेसर टेक्निक से जो रिजल्ट आते हैं वो बाकी मेथड के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेटर होते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखना, इन सम केसेस ट्रेसर टेक्निक is so much important to such an extent that there is no other method available for analysis. Kuch cases mein tracer technique ke alawa koi aur method analysis ke liye aap use kar hi nahi sakte. To student baat karunga application of tracer technique ya application of radio isotope. तो रेडियो आइसोटॉप की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, सम आर गिवन एज, जिसमें नंबर वन रेडियोमीटर एनालिसिस, एनालिटिकल एप्लीकेशन, ये दो हमारे कोर्स के अंदर हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। अब उसके अलावा जो एप्लीकेशन होती हैं, फिजियो केमिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपने इसको खुद पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट बात करेंगे, हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज रेडियोमेट्रिक एनालिसिस। अब देखते हैं कि रेडियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। स्टूडेंट याद रखना, रेडियोमेट्रिक एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल यूजिंग द रेडिएशन emitted by radio nucleide. Radiometric analysis ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल यूजिंग रेडिएशन emitted by रेडियो आइसोटॉप इन द सैंपल, इसे रेडियोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। रेडियोमेट्रिक एनालिसिस इज मच रैपिड, सिंपल एंड मोर प्रिसाइज एज कंपेयर्ड विद रूटीन एनालिसिस मैथड। रूटीन एनालिसिस मैथड के मुकाबले में रेडियोमेट्रिक मैथड जो होता है वो रैपिड होता है, सिंपल होता है और ज्यादा प्रिसाइज होता है। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडर द एनालिसिस ऑफ मेटल इन ए सोल्यूशन फॉर विच वी कैन यूज मैनी टेक्निक। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें एक मेटल का हमने एनालिसिस करना है, इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं, ग्रेविमीटर एनालिसिस कर सकते हैं, हम पोटेंशियोमीट्री कर सकते हैं, हम कंडक्टोमीट्री कर सकते हैं। इफ वी यूज द ग्रेविमीटर एनालिसिस, अगर हम ग्रेविमीटर एनालिसिस यूज करें सोल्यूशन के अंदर मेटल के एनालिसिस के लिए, तो प्रोसेस इज फॉलोड बाय
the conversion of metal into precipitate using precipitating agent. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है उस मेटल आयन को हमने प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना होगा. अगर हम ग्रेविमेट्री यूज कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे. जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या करेगा, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हमारे पास जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होगा वो मेटल आयन को कन्वर्ट करेगा इनटू सॉलिड प्रेसिपिटेट. अब स्टूडेंट क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे यूजिंग वाटमैन फिल्टर पेपर. प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे यूजिंग वाटमैन फिल्टर पेपर. फिर उस वाटमैन फिल्टर पेपर को बर्न करेंगे, फिर उसको चार्ट करेंगे. चारिंग के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, वेट करेंगे जो हमारे पास प्रेसिपिटेट से मेटल का ऑक्साइड बनेगा. फिर उस ऑक्साइड से मेटल की मकदार यूज करेंगे, मेटल की मकदार मालूम करेंगे यूजिंग स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन अप्लाइंग ग्रेविमेट्रिक फैक्टर. बट ऑल दिस प्रोसेस टेक मच लॉन्गर टाइम. ये सारा प्रोसेस क्या होगा, बहुत लंबा टाइम लेगा. एन ईच स्टेप क्या होगा, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल प्रोवाइडिंग द मेथड ऑफ प्योरिटी, एररलेस वेट एक्सेट्रा. इन सारे स्टेप के अंदर हमें यह ख्याल करना पड़ेगा कि किसी पॉइंट पे भी कोई इंप्योरिटी ऐड ना हो. और फिर हमने जो वेट करना है, वेट का मतलब पहले ड्राई प्रेसिपिटेट का वेट करना है, फिर जो हमारे पास चारिंग के बाद हमारे पास जो आएगा कंपोनेंट आएंगे उसके वेट करने हैं. तो हमने सारे प्रोसेस में ये ख्याल करना है कि वेट में कोई एरर ना आए, वेट ठीक हो. बट स्टिल द रिजल्ट वी ऑब्टेन इज नॉट मच प्रिसाइज. इवन देन जो मैस हम हासिल करेंगे, जो वेट हम हासिल करेंगे, जो रिजल्ट हम हासिल करेंगे वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड इफ वी यूज द रेडियोमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर हम रेडियोमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज करें, वी डू नॉट नीड हाई प्योरिटी, हमें बहुत हाई प्योरिटी की जरूरत नहीं होती. एंड नो एक्यूरेट वैंग, हमें कोई एक्यूरेट वैंग की भी जरूरत नहीं होती. स्टिल रिजल्ट आर करेक्ट कंपेयर्ड विद अदर मेथड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेम मेटल. अगर हम स्टूडेंट रेडियोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं तो रेडियोमेट्रिक मेथड में हमें बहुत हाई प्योरिटी सैंपल की रिक्वायर्ड नहीं होती और ना ही हमें वैंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव डिफाइंड करनी होती है. आगे डिटेल आएगी आने वाले सेशन के अंदर, आपको इससे ज्यादा क्लियर बातें हो जाएंगी. तो रेडियोमेट्रिक मेथड में जो रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं एज कंपेयर टू अदर मेथड. अब स्टूडेंट एक एग्जांपल की बात करते हैं. हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं जिंक टू आयन का. कंसिडर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ जिंक टू आयन. जिंक टू आयन का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है हम मालूम करना चाहते हैं कि जिंक टू आयन सॉल्यूशन में कितना है. इन अ सॉल्यूशन लेट वी हैव जिंक टू आयन, हमारे पास जिंक टू आयन है, हम एनालाइज करना चाहते हैं जिंक टू आयन को बाय रेडियोमेट्रिक मेथड. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिंक टू आयन को प्रेसिपिटेट करेंगे यूजिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सच एज अमोनियम बाईफॉस्फेट. हम इसे प्रेसिपिटेट करेंगे यूजिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सच एज अमोनियम बाईफॉस्फेट. अब स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे जो फास्फोरस होगी उसको हम लेबल कर देंगे. वेयर फास्फोरस इज लेबल्ड आइसोटोप, यहां पे फास्फोरस जो है वो लेबल आइसोटोप है, यानी फास्फोरस के स्टेबल आइसोटोप को हमने रेडियो आइसोटोप से रिप्लेस किया हुआ है. हुज एक्टिविटी इज नोन ऑलरेडी, जिसकी एक्टिविटी हमें पता होती है कि अगर एक एटम सल्फर, एक एटम फास्फोरस का होगा तो ये इतनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड देगा,
इसकी एक्टिविटी हमें पता होती है ऑलरेडी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, द प्रेसिपिटेट जो बनेगा विल कंटेन, जो प्रेसिपिटेट बनेगा जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक, हमारे पास बनेगा क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास ये जो बनेगा जिंक बाईफॉस्फेट बनेगा। जिंक जो बाईफॉस्फेट बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म विल कंटेन व्हाट, फास्फोरस लेबल आइसोटोप, लेबल आइसोटोप होगा। अब इस प्रेसिपिटेट को हम ड्राई कर लेंगे और इसकी एक्टिविटी काउंट कर लेंगे, इसकी एक्टिविटी मॉनिटर कर लेंगे यूजिंग न्यूक्लियर डिटेक्टर। चूंकि हमें पता है कि एक फास्फोरस, यानी हमें पता है कि एक बाईफॉस्फेट एक जिंक के साथ कंबाइन होता है, एक फास्फोरस एक बाईफॉस्फेट में एक फास्फोरस होता है और एक बाईफॉस्फेट एक जिंक के साथ कंबाइन होता है। तो हमारे पास अगर फास्फोरस जो लेबल आइसोटोप है उसकी एक्टिविटी हम मालूम कर लेंगे, एक फास्फोरस आइसोटोप की एक्टिविटी हमें पता है, जो एक्टिविटी आई उसको एक आइसोटोप की एक्टिविटी से डिवाइड करेंगे, इस तरह हमें टोटल क्या आ जाएंगे, टोटल फास्फोरस एटम आ जाएंगे। अगर फास्फोरस एटम हमारे पास दो आए तो इसका मतलब है दो फार्मूला यूनिट होंगे जिंक बाईफॉस्फेट के। तो हमारे पास एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा किसका, जिंक बाईफॉस्फेट का। चूंकि एक फास्फोरस जो रेडियो आइसोटोप है उसकी एक्टिविटी पता है, तो जितनी एक्टिविटी आएगी उसके हिसाब से हमें फास्फोरस एटम का पता चलेगा। तो हमें पता है कि एक बाईफॉस्फेट में, एक बाईफॉस्फेट में क्या है, एक फास्फोरस है। अगर 10 हमारे पास फास्फोरस एटम आए तो 10 बाईफॉस्फेट होंगे, एक बाईफॉस्फेट एक जिंक से मिल रह सकता है तो 10 बाईफॉस्फेट हमारे पास 10 जिंक एटमों से मिलेंगे, तो हमारे पास 10 जिंक आयन का हमें मैस फाइंड कर देंगे। इस तरह हमें टोटल मैस ऑफ जिंक इन द सॉल्यूशन हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, डिटरमिन कर लेंगे। स्टूडेंट ये मेथड बहुत सिंपल है, रैपिड है, प्यूरिटी ऑफ फाइनल प्रेसिपिटेट इज नॉट नेसेसरी। हमें प्यूरिटी नहीं चाहिए कि जो प्रेसिपिटेट बने वो प्योर हो, उसमें बेशक और चीजें हों, क्योंकि हमने फास्फोरस की एक्टिविटी डिटरमिन करनी है, फास्फोरस की एक्टिविटी से हमने फास्फोरस एटम मालूम करने हैं, फास्फोरस एटम से बाईफॉस्फेट की तादाद मालूम करनी है, बाईफॉस्फेट से जिंक आयन की तादाद मालूम करनी है और फिर उसका हमने क्या करना है, मैस निकाल देना है। आल्सो इस मेथड में प्रेसिपिटेट की किसी वैंग की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए रिजल्ट जो होता है ऑलमोस्ट एरर लेस होता है। स्टूडेंट याद रखना, ड्यू टू वैलिडिटी ऑफ रेडियोमेट्रिक एनालिसिस ऑन लार्जर स्पेक्ट्रम, लार्जर स्पेक्ट्रम में यूज हो सकता है, दिस मेथड इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ एनायन एंड कैटायन इन ऑल द फेसेस। इस मेथड को हम कैटायन और एनायन के एनालिसिस के लिए तमाम फेजेस में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था ट्रेसर टेक्निक का इंट्रोडक्शन। अब हम दूसरे सेशन में बात करेंगे एनालिटिकल एप्लीकेशन, एनालिटिकल एप्लीकेशन पे हमारा ज्यादा फोकस होगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड आएंगे जिसमें इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे पहले, फिर हर कैटेगरी की फर्दर डिटेल में जाएंगे। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ये चैनल आपकी केमिस्ट्री के अंदर आपकी सोचने समझने की सलाहियत को इंक्रीज कर देगा। इस चैनल पे आपको बेसिक केमिस्ट्री, आपको एडवांस केमिस्ट्री, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री और बहुत कुछ मिलने वाला है। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, सीखने की कोशिश करें, अपना फीडबैक दीजिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।